हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लो विद ट्विंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने सोशियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करना है, जो कि है सोशल रिसर्च। मेरे दोस्तों, ये सोशल रिसर्च जो टॉपिक है वो सोशियोलॉजी के बच्चों को एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे फिर वो BA LLB में सोशियोलॉजी की स्टडी कर रहा हो या BA में सोशियोलॉजी की स्टडी कर रहा हो या कोई भी ऐसा विषय पढ़ रहा हो जिसमें सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है। सोशल रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं रिसर्च की बात करूं, तो रिसर्च का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में दोबारा कुछ ढूंढना, टू फाइंड आउट समथिंग अगेन एंड अगेन रिगार्डिंग सम पर्टिकुलर थिंग। जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग बार बार इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, डीप में जाकर पुरानी यानी फिर इन्फॉर्मेशन को बेसिक मानकर, आधार मानकर नई इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो रिसर्च कही जाती है। मेरे दोस्तों, जो रिसर्च है दैट इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी रेलिवेंट रोल इन द स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस। वी नो अबाउट दिस वेरी वेल। अगर मैं फिजिकल साइंस की बात करूँ, अगर मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैं बायोलॉजी, जूलॉजी, मैं फिजिकल साइंस की बात करूँ, तो रिसर्च इज़ प्लेइंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल, वी ऑल नो। आज हमें पता है रिसर्च के माध्यम से ही, रिसर्च के जरिए ही हम लोग पता लगा पाए हैं कि चंद्रमा में भी जाया जा सकता है, मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, ये रिसर्च से पता चला है। आज कोविड की बीमारी का पता चला रिसर्च की वजह से पता चला। कोविड के क्या लक्षण हैं, कोविड का जो है वो टीका, उसकी दवाई कैसी बनी, रिसर्च की वजह से बनी। तो फिजिकल साइंस में तो रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो। बट माई डियर फ्रेंड्स, बट माई स्टूडेंट्स, द टर्म रिसर्च, द रिसर्च इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्फीयर ऑफ सोसाइटी, इन द स्फीयर ऑफ सोसाइटी, इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग, इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग, इन रिलेशन टू ह्यूमन बिहेवियर, इन रिलेशन टू ह्यूमन बिहेवियर। What I am saying to you, that the term social research, this research is playing a very important role, not in the sphere of physical science, but also in the sphere of social sciences. मेरे दोस्तों, social sciences बहुत सारी हैं, हमारी history, हमारी psychology, हमारी anthropology, हमारी economics, हमारी sociology. तो जो सोशियोलॉजी सोशल साइंस है, जिसको हम सभी सोशल साइंसेस की मदर बोलते हैं, सोशियोलॉजी में भी रिसर्च का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी रिसर्च की वजह से आज हमने सोसाइटी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझा है, बहुत सारी चीज़ों की हमें इन्फॉर्मेशन मिली है जो हमें पहले पता नहीं थी। तो मेरे दोस्तों, इंट्रोडक्शन में आप ये सारी बातें लिख सकते हो कि जो रिसर्च है वो केवल फिजिकल साइंस में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ रिसर्च इज बिकमिंग अ वेरी वेरी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द स्फीयर ऑफ सोसाइटी, सोशल साइंसेज आल्सो, एंड अमंगस्ट ऑल सोशल साइंसेज, सोशियोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज, एंड सोशल रिसर्च इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। तो मेरे दोस्तों, इसके बाद शुरू करते हैं हम मीनिंग के साथ कि क्या होता है मीनिंग सोशल रिसर्च का, क्या होता है मीनिंग सोशल रिसर्च का। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं सोशल रिसर्च की बात करूँ, तो हमें दो टर्म देखने को मिलती हैं, एक सोशल और एक रिसर्च। अगर मैं सोशल की बात करूं, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है द टर्म सोशल मींस समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। और अगर मैं रिसर्च की बात करूं, तो रिसर्च दो चीज़ों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है अगेन, सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट समथिंग।
तो मेरे दोस्तों आप ध्यान से देखो, सोशल का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो सोसाइटी से लिंक करता हो। जहाँ पे सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट हो गया वो सोशल हो गया, जहाँ सोसाइटी का कोई एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो गया वो सोशल हो गया। आप ह्यूमन बीइंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग सोसाइटी का पार्ट है, सोशल हुआ, सोशल रिसर्च हो रही है इसमें। आप सोसाइटी में किसी कल्चर की स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, सोशल रिसर्च होगी, क्योंकि कल्चर किसका पार्ट है, सोसाइटी का। आप सोसाइटी में मैरिज, फैमिली या कोई भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हो कि कैसे इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए हैं और क्या इनका फ्यूचर रहेगा, रिसर्च कौन सी होगी, सोशल। क्योंकि आप कोई भी ऐसा टॉपिक पिक कर लो जिसका रिलेशन हमारी सोसाइटी से होगा, रिसर्च सोशल होगी। सोशल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। एंड अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो रिसर्च मीन्स री प्लस सर्च। री का मतलब होता है अगेन, टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन। जब आप एक चीज को बार बार करते हो वो री होता है, और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट समथिंग, कुछ फाइंड आउट करना, कुछ ढूंढना, कुछ सर्च करना। तो मेरे दोस्तों रिसर्च का मतलब क्या बना, टू फाइंड आउट समथिंग अगेन एंड अगेन। एंड इफ वी कंक्लूड, इफ वी कंबाइन दिस टू टर्म्स, इफ वी कंबाइन दिस टू टर्म्स, व्हाट इज सोशल रिसर्च, सोशल रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट्स विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स इन द सोसाइटी। टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन, टू फाइंड आउट समथिंग अगेन एंड अगेन, बट इन द सोसाइटी। वट इज सोशल रिसर्च, सोशल रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज डूइंग अ वर्क और इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग और इंक्वायरिंग समथिंग अगेन एंड अगेन और फाइंडिंग आउट अबाउट समथिंग अगेन एंड अगेन इन द सोसाइटी विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द सोसाइटी। आई होप आपको सोशल रिसर्च का मीनिंग समझ आया होगा मेरे दोस्तों। तो क्या होती है सोशल रिसर्च, सोशल रिसर्च का मतलब होता है कि जब आप सोसाइटी में कुछ चीज़ों का पता करने के लिए जो या तो धुंधली हैं या वेग जिसको आप बोलते हो धुंधली हैं, या फिर वो चीज़ें के बारे में आंसर में पता नहीं है या पता है पर क्लियर पता नहीं है, तो जब हम उनके ऊपर बार बार इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं और वो सोसाइटी के साथ लिंक करती हैं चीज़ें, तो उसको हम सोशल रिसर्च बोलते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं क्या होता है सोशल रिसर्च का। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। हमारी सोसाइटी में अगर मान लो पॉवर्टी बढ़ रही हो, तो एक रिसर्चर जो है वो रिसर्च करेगा व्हाई दैट पॉवर्टी इज बीइंग इंक्रीज्ड इन द सोसाइटी। व्हाई, हमारे पास बहुत सारी रिसर्च हुई पड़ी है पहले से कि पॉवर्टी के कारण क्या क्या होते हैं। अब बंदा उन कारण को आधार मानकर आगे दोबारा से स्टडी करेगा, लोगों से इंटरव्यूज लेगा, उनसे डाटा लेगा, उनसे इंफॉर्मेशन लेगा, और जो बंदे पहले से अब पुअर हुए हैं उनसे पूछेगा कि क्या कारण रह सकते हैं, तो इसे बोला जाएगा सोशल रिसर्च, इसे बोला जाएगा सोशल रिसर्च। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारी सोसाइटी में क्राइम रेट बढ़ रही हैं, तो एक पर्सन सर्च करेगा द रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग द क्राइम रेट इन सोसाइटी। तो ये कैसे रिसर्च वो करने जा रहा है, सोशल रिसर्च, क्योंकि सोसाइटी से लिंक कर रहा है, सोसाइटी से लिंक कर रहा है। तो मेरे दोस्तों क्या सोशल रिसर्च का एग्जाम्पल हो सकता है, जो मैंने आपको अभी दो एग्जाम्पल बताए, इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आइए अब डेफिनेशन को देखते हैं। अब अगर मेरे दोस्तों मैं डेफिनेशंस की बात करूं, तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने तरीके से सोशल रिसर्च को डिफाइन किया है। अगर मैं वेलेस एंड वेलेस की बात करूं, अकॉर्डिंग टू वेलेस एंड वेलेस, सोशोलॉजिकल रिसर्च रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। क्या बोलते हैं वेलेस एंड वेलेस कि सोशोलॉजिकल रिसर्च का मतलब होता है सोशल बिहेवियर को सोसाइटी में ऑब्जर्व करना, सिस्टेमेटिक ढंग से, फॉर्मल तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड मैनर से, और साथ में स्ट्रक्चरल मैनर से। तो जनरल सी बात है, ऑब्जर्वेशन इज अ डाटा ऑफ, इज अ मीन्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। एंड इसने क्या बोला है बिलास, इन्होंने क्या बोला है बिलास जी ने क्या बोला है कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च का मतलब है कि जब सोसाइटी में हम किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने इज आल्सो रिसर्च। अगर आप किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व करके कोई कंक्लूजन लेकर आते हो, फॉर एग्जाम्पल
आपने पता करना है कि किसी सोसाइटी में कौन सी एज के बच्चे बहुत अग्रेसिव होते हैं, बात बात पर गुस्सा कर जाते हैं। तो आप ग्राउंड में जाओगे, देखोगे, बच्चों को ऑब्जर्व करोगे। एक बच्चा होगा वो आराम से खेल रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है, नीचे गिर रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बच्चा होगा वो बात बात पे गुस्सा कर रहा है, और किसने बॉल छीन ली उससे, मान लो फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, बॉल छीन ली तो वो ऐसा बिहेव दिखा रहा है कि मैं तो हार गया, ये हो गया, अग्रेसिव दिखा रहा है। तो वो एक तरह से ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कैसे बच्चे अग्रेसिव हैं, किस एज के, क्या छोटी एज के बच्चे अग्रेसिव दिख रहे हैं या बड़ी एज के, और कौन से बच्चे शांत हैं या सभी नॉर्मल ही हैं, कुछ मिक्स हैं, सभी बड़े भी अग्रेसिव हैं, छोटे भी अग्रेसिव हैं, बड़े भी शांत हैं, छोटे भी शांत हैं। आप ऑब्जर्व करके रिसर्च कर रहे हो ना। तो इसने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, वालास जी ने क्या बोला कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च जो है इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। बिहेवियर, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना सोशल रिसर्च है, इन्होंने ऐसा बोला। सी ए मोजर क्या बोलते हैं, सोशल रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू गेन न्यू नॉलेज अबाउट सोशल फिनोमिना एंड प्रॉब्लम्स। क्या है सोशल रिसर्च, सोशल रिसर्च है सिस्टमैटिकली ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में पता करना, सोशल फिनोमिना के बारे में जानना, वो है सोशल रिसर्च। तो ये होप आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ आई होंगी। तो मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सोशल रिसर्च होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो इसका पर्पस देखेंगे, पर्पस क्या होता है, फिर बाद में हम इसके स्टेप्स देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू मेरे माय डियर फ्रेंड्स।